राहुल गांधी की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होगी। डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मुलाकात की थी। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आते ही राहुल गांधी की खूब आलोचना हुई थी और बीजेपी ने ऐसे तनातनी वाले माहौल के बीच चीन के राजदूत से राहुल गांधी की मुलाकात पर सवाल उठाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। हम उस सड़ी हुई सोच से देश को मुक्त कराने के लिए देश का जनजागरण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसी कोई पार्टी हो सकती है जिसको हिंदुस्तान की जनता का विश्वास चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार चलाने का इरादा चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान पे भरोसा ही नहीं? क्या ऐसे लोग देश के लिए योग्य हैं क्या? चीन के साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम पुरुषार्थ अप्रतिम धैर्य 72 दिन तक जहां रात को माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। कुछ भी हो सकता था, पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी कि मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे मोदी जी ये 1962 भूलना मत, हमें भी लोग डरा रहे थे। लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। 72 दिन तक डटे रहे तब इस देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और यह देश ऐसे पाप करने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। भारत की संसद में 12-15 साल से बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसके परिवार के लोग पिता प्रधानमंत्री रहे हो, दादी प्रधानमंत्री रही हो, नाना प्रधानमंत्री रहे हो, जन्म से जिनको राज परिवार में पलने बढ़ने का अवसर मिला हो, वो देश पे भरोसा न करे, सरकार पे भरोसा न करे, सेना पे भरोसा न करे और चीन के राजदूत से मिलकर के पूछे कि डोकलाम में क्या चल रहा है। ये देश का अपमान है कि नहीं है? जरा आप मुझे बताइए, देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? भारत की चुनी हुई 125 करोड़ देशवासियों के चुनी हुई उन 125 करोड़ देशवासियों का अपमान है कि नहीं है? देशवासियों के प्रति अविश्वास है कि नहीं है? वीर जवानों के प्रति अविश्वास है कि नहीं है? जिसको हिंदुस्तान के राजदूत को पूछने के बजाय, भारत के विदेश मंत्रालय को पूछने के बजाय चीन के राजदूत को जाकर के पूछ रहे हो डोकलाम में क्या है? क्या चीन वाला क्या बताएगा भाई? कोई मुझे बताए चीन वाला क्या बताएगा? क्या ये आपकी समझदारी नहीं है कि आपके इरादे में गड़बड़ है? आप मुझे बताइए, जिनको ये प्राइमरी नॉलेज नहीं है, प्राइमरी माफ करना मुझे, ऐसे व्यक्तियों को उनकी बातों पर क्या देश भरोसा कर सकता है क्या?
वायरल कीड़ा न्यूज।